नमस्ते। तो आइए आज हल करते हैं कक्षा चौथी का पाठ चार, साहसी रूपा। शब्दार्थ प्रवेश लेना, दाखिला लेना, भर्ती होना। सहपाठी ने साथ पढ़ने वाली लड़कियां। ठहाका जोर की हंसी। घमंडी अभिमानी। सौंदर्य सुंदरता। धैर्य धीरज। लथपथ सना हुआ। संकोच सकुचाहट। दलदल गीली कीचड़ से भरी जमीन। प्रशंसा तारीफ बड़ाई। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न एक, कहानी पढ़कर रूपा के बारे में अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, रूपा शांत स्वभाव की शर्मीली लड़की है, वह साहसी और समझदार भी है। प्रश्न दो, रूपा को साहसी क्यों कहा गया है? उत्तर, रूपा ने अपनी जान खतरे में डालकर दलदल में फंसी शांति को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई, इसलिए रूपा को साहसी कहा गया है। प्रश्न तीन, रूपा का बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर वापस पीछे क्यों आ जाता था? उत्तर, रूपा फूलों को उनकी डाली पर खिला देख खुश होती थी, इसलिए रूपा का बढ़ा हुआ हाथ फूलों को सहलाकर वापस पीछे आ जाता था। प्रश्न चार, यदि तुम रूपा के स्थान पर होते तो शांति की किस प्रकार मदद करते? उत्तर, यदि हम रूपा के स्थान पर होते तो शांति की मदद के लिए अध्यापिका जी को आवाज़ लगाकर बुलाते तथा लकड़ी या बेल का सहारा लेकर उसे बाहर निकालते। प्रश्न पाँच, पिकनिक पर जाते समय हमें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर, अनजान स्थान पर हमें अकेले नहीं जाना चाहिए, समूह के साथ रहना चाहिए। प्रश्न छः, तुम पिकनिक किस मौसम में जाना चाहोगे और क्यों? उत्तर, हम पिकनिक बसंत ऋतु में जाना चाहेंगे क्योंकि उस समय ना अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। भाषा तत्व और व्याकरण। पहला प्रश्न, नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखो। क, जो फल खाता हो, फलाहारी। ख, साथ पढ़ने वाली, सहपाठिन। ग, जिसको होश ना रहे, बेहोश। घ, जिसे बहुत अभिमान हो, अभिमानी। ड, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। प्रश्न दो, इन शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। तो पहला अध्यापिका, दूसरा उनसे, तीसरा कठिनाई, चौथा परंतु, पांचवा पसंद, छठा बचाओ, सातवां लकड़ी, आठवां लता और आखिरी सहपाठिन। इसे वर्णमाला के क्रम में सजाना है। प्रश्न तीन, धैर्य ग्रह राष्ट्र कारण, इन सभी शब्दों में र का प्रयोग अलग अलग रूप में किया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में र जोड़कर उनके उचित रूप लिखो। क ग्राम, स
सिर्फ क्रिया कार्य आर्य प्रथम वर्ष ट्रक। प्रश्न चार, पाठ में शब्द आया है दलदल, इसमें दो वर्णों का दो दो बार प्रयोग हुआ है, ऐसे चार पलपल कलकल सरसर खटखट। कक्षा में संज्ञा के बारे में चर्चा करें, संज्ञा के प्रकार, उसकी परिभाषा करवाइए। और उसके साथ ये प्रश्न, इस पाठ में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं छाट कर लिखो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रूपा शांति, जातिवाचक संज्ञा जो पाठ में आए हैं लड़की अध्यापिका पाठशाला झील। योग्यता विस्तार, हमारे चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, नीचे बने चेहरों को देखो और उनमें किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है उनके सामने लिखो। तो पहला बच्चा रोता हुआ सा है तो रोता हुआ, हंसता हुआ, गुस्से में, डर का भाव।